बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे दो युवक की बेरहमी से की गई पिटाई, पत्थरों से मारकर अधमरी हालत में फेंक दिया नाली में, जिसमें हुई एक युवक की मौत। मैं इब्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके से एक वीडियो सामने आया है। आप देखिएगा एक वीडियो कि किस प्रकार से ये दिल दहला देने वाला वीडियो है, जिसमें दो युवक बर्थडे पार्टी से अपने घर लौट रहे हैं, उनके पीछे दूसरे 7-8 युवक आते हैं और एक सुनसान गली में इन दोनों युवकों को रोक कर सब कुछ दे देने के लिए कहा जाता है। आप देखिएगा ये वीडियो कि किस प्रकार से ये 7-8 युवक बेरहमी से पहले तो बुरी तरह से पत्थरें उठाकर मार रहे हैं, फिर इन दोनों को उठाकर नाले में पटक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचती है और दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाती है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मृत्यु हो जाती है। पास में लगे सीसीटीवी में ये सारा मामला, ये सारी घटना कैद हो जाती है और इस वारदात का पूरा दृश्य परिसर में लगे सीसीटीवी के माध्यम से गुरुवार के दिन काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है, बाकियों की तलाश जारी है। अधिक प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जतिन, जो कि अपने परिवार के साथ संगम विहार इलाके में रहता था, बीते 19 दिसंबर के रोज जतिन के भाई सचिन का जन्मदिन था और जतिन अपने दोस्त पंकज के साथ इसी बर्थडे पार्टी पर गया हुआ था। करीब रात 2 बजे के बाद पार्टी समाप्त होने के बाद वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक से ये 7-8 असामाजिक तत्व द्वारा जतिन और पंकज पर हमला किया गया और इतना बुरी तरह से इन्हें मारा पीटा गया कि अस्पताल में उपचार के दौरान जतिन की मृत्यु हो जाती है। देखिए उस समय के क्या हालात थे, क्या दृश्य थे, देखिए।